आपको तो अच्छे से पता होगा कि मैं ट्रैवलिंग का नशा करता हूँ। तो अपने इस नशे को अंजाम देने के लिए मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि चलो पापा मम्मी पूरी चलते हैं। आप लोगों का अभी तो बहुत दिनों से मनोकामना है पूरी चलने का, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हाँ पूरी जाना फाइनल। सुबह सुबह 5 बजे उठकर हम लोग निकले, मैं, मम्मी, पापा, दीपिका और मेरा एडिटर फ्रेंड रोहन, जो कि आपके उन एंजॉयबल वीडियोस को एडिट करता है जिसको आप अपने फैक्टेक चैनल पर देखते हो, वो भी हमारे साथ था। आसनसोल से निकलते ही दुर्गापुर की तरफ जब हमने बढ़ा तब हमें ऐसे टाइप के चिमनीज दिख रहे थे जिनको देखकर लग रहा था कि हम कोई गेम या फिर किसी मूवी के अंदर आ गए हों। पूरी जाने का जो मैप था वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, 12 घंटे का पूरा रास्ता था। और जब मैं मैप में देखा तो मुझे पता चला ओ तेरी, हम लोग तो एकदम समुद्र के पास वाले होटल में जाने वाले हैं, काफी मजा आएगा, बंगाल का ह्यूज समुद्र एकदम सामने होगा। तो हम लोग निकल पड़े और जाते समय करीब 10:30 पे हम लोगों ने एक होटल में नाश्ता किया और हम लोगों का इस टाइम एक्साइटमेंट लेवल काफी ऊंचा था। उसके बाद हम अलग अलग जगहों से पार हुए और नज़ारे भी काफी अच्छे दिख रहे थे, एकदम खेत वेत, ग्रीनरी और लेस पॉल्यूशन देख के मजा आ रहा था। और कोलकाता चेन्नई हाईवे पे गाड़ी चला के तो मजा ही आ गया। मीन्स सोचो कितनी गजब की बात है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे है, चेन्नई से डायरेक्ट कोलकाता तक एक हाईवे बन चुका है। मतलब सोचने में काफी मजा आता है कि गवर्नमेंट ने कितने दूर हजारों किलोमीटर तक लंबी लंबी हाईवेज को बना डाला है। कोलकाता चेन्नई हाईवे से होके हम एंटर किए फाइनली ओडिशा। शाम के 4 बजे हमने बॉर्डर पार किया बंगाल और ओडिशा का। जब हम शाम 4 बजे के करीब ओडिशा में एंटर किए तब हमें जगह जगह पे ऐसे मंदिर दिख रहे थे। मतलब बंगाल से जब आप ओडिशा में एंटर करोगे तब आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर दिख जाएंगे जो कि ओडिशा के मेन जगन्नाथ टेम्पल से इंस्पायर्ड है। ओडिशा के अंदर जब हम शहर में एंटर किए तब हमें वहाँ का वाइब बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मतलब एकदम अच्छा इलाका फील हो रहा था। एंड गेस व्हाट, ओडिशा में BMW का शोरूम भी है। फिर हमने जर्नी को कंटिन्यू किया। ये शाम के 5 बजे की पिक्स है जब हम लोगों ने ऐसे ही हाईवे के बगल में एक ग्रीनरी वाला इलाका था उसमें ऐसे ही रिलैक्स करने के लिए कार को उस जगह पे रोक के थोड़ा बॉडी स्ट्रेच किया और पानी वानी पिया। उसके बाद हमने जर्नी को कंटिन्यू किया। उसके बाद शाम को 7:30 तक हम लोग होटल पहुंच गए। गूगल मैप्स की टाइमिंग एकदम सही थी। एंड पुरी में जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं सब वेज हैं। वहां पे आपको एक भी नॉन वेज होटल या फिर रेस्टोरेंट एकदम ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि वहाँ की लोगों की श्रद्धा उनको वहाँ पे मांस मछली रखने का अलाउ नहीं करती। तो होटल में हमने गाड़ी को पार्क किया और होटल में जाते ही हमें दीवारों में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने मिली जो कि पूरी की पूरी इतिहास को, ओडिशा के प्रेस्टीज को, उसके हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है। और वो होटल भी काफी अच्छा था, नाम नहीं बताऊंगा, फ्री प्रमोशन क्यों, हाँ बट हाँ अच्छा था होटल। होटल में पहुंचते ही एकदम वैसी वाली फीलिंग आ रही थी जैसे मानो बहुत ज्यादा गर्मी हो और अचानक से ठंडा हवा चले नेचर में, तो कितनी मस्त फीलिंग आती है बॉडी में। एक कूल टेम्परेचर हवा में जब ज्यादा पानी की मात्रा होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तब जैसे वाइब आती है ठंडा ठंडा पानी सी हवा गर्मी के मौसम में, एकदम वैसी फीलिंग आ रही थी। वो फीलिंग गजब की थी। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ हम ओडिशा में आ गए हैं और अब हम समुद्र के काफी करीब हैं। वहां से बीच सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो वैसे भी हम लोग दिन भर गाड़ी में बैठे हुए थे तो हम लोग फिर टहलने निकल गए, नाइट वॉकिंग पे निकल गए हम लोग। और वहाँ की रोड्स पे आइसक्रीम वाले दिख रहे थे जैसे कि हर जगह टिपिकली दिखते हैं। ओडिशा में ऐसे जो ट्रेडिशनल टाइप के रिक्शे होते हैं वो बहुत सारे थे और हम बढ़ रहे थे बीच की तरफ। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर गजब का था। एक मिट्टी मिट्टी की तरह सुंधापन और समुद्र की ताजी वाइब आ रही थी। हमें लग रहा था कि अब हम लोग समुद्र के पास जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और देखा कि अरे ये तो रोड के बगल में ही रेत दिख रहा है, आ गया समुद्र। उसके बाद का ये फुटेज देखो, हम रेत में एंटर कर रहे थे और वो ठंडी फीलिंग और भी बढ़ते जा रही थी और रेत में चलने में भी बहुत मजा आ रहा था।
और बहुत जगह आपको ये कंप्लेंट सुनने मिलती होगी कि बीचेस आजकल बहुत गंदे होते हैं, बट यहाँ पर आप इन कर्मचारियों को देख सकते हो जो कि बीच को क्लीन रखने में मदद कर रहे हैं। और आगे हमें एक वॉइड टाइप का दिख रहा था, एकदम ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं, और हाथी घोड़े भी दिख रहे थे। फिर अचानक से हमने फाइनली लहरों को देखा, वेव्स को देखा समुद्र की। पहली बार अपने आंखों से लहर को देखने के बाद मजा ही आ गया, मतलब सच में। दूर मौजूद शॉप्स भी दिख रहे थे समुद्र के किनारे, और हम लोग और पास गए और फिर समुद्र की लहरों की जो आवाज थी वो नॉवेल आवाज सुन के सच में मजा आ गया, और लहरों की इंटेंसिटी भी बहुत थी। ये था पुरी का फेमस गोल्डन बीच। जब आप लहरों को सामने से देखते हो और उसकी आवाज, उसके इंटेंसिटी को फील करते हो, तब सच में मजा आ जाता है। कितनी अमेजिंग बात है ना ये, ये जो लहर है ये ऊपर मौजूद चांद के कारण होता है। उसके बाद हमने लहरों को पूरा एंजॉय किया, पैर भिगाना और बच्चों की तरह हरकतें करना ये सब किया। समुद्र के ठीक बगल में ही जहाँ रोड था वहीं पे बहुत सारे होटल्स भी मौजूद थे, जिन होटल्स में अगर आप रुकते हो कभी आप आओ तो, तब आपको उठते के साथ ही समुद्र का व्यू मिलता है। वहां पर बहुत सारे शॉप्स भी थे, जगह जगह पे शंख और बाकी समुद्र से रिलेटेड आइटम्स मिल रहे थे। उसके बाद हम समुद्र को एंजॉय करके होटल रूम में वापस आ गए। उसके बाद हम सुबह सुबह उठे और हम निकल गए जगन्नाथ टेम्पल के लिए। जगन्नाथ टेम्पल में फोन अंदर अलाउड नहीं था, इसलिए एज पर रूल हम लोग अंदर के क्लिप्स तो नहीं ले सके, बट यकीन मानो अंदर एक अलग ही दुनिया है, भक्ति से भरपूर दुनिया जिसको आप अपने आंख से ही देख सकते हो। बट अंदर बहुत सारी चीजें थी, मतलब पुरी में पूजा करने के बाद एक अंदर ही आपको आनंद बाजार नाम की जगह मिलती है। ये तो मैं फोटोज ऑफ कोर्स गूगल से लिया हूँ क्योंकि अंदर तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया। तो यहाँ पे आप आओगे आनंद बाजार में तो आप 100 रुपीज पर प्लेट में वहाँ का प्रसाद खा पाओगे। क्या आपको पता है कि वहाँ पे 56 प्रकार के भोग लगते हैं, जिसका लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। गोपाल बल्लभ भोग सुबह 8:30 बजे लगता है, सकल धूप 10 बजे लगता है, भोग मंडप 11 बजे लगता है, मध्यान्ह धूप 12:30 से 1 बजे तक लगता है, संध्या धूप शाम 7:00 से 8:00 बजे तक लगता है, बड़ा सिंघार भोग रात के 11 बजे लगता है। ये 56 भोग बनाना आसान नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे बहुत मात्रा में ये बनता है और इसी को आप आनंद बाजार से खरीद सकते हो। और वहाँ का सबसे फेमस खाजा, वहाँ जाओ और आप खाजा परचेज ना करो ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने भी कई किलो खाजा परचेज किया और सोसाइटी में बांटा भी। एंड अगर आप पूरी जाओ तो यहाँ का आनंद बाजार आप विजिट ना करो या फिर खाजा ना खाओ, तब तो वहाँ जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ आपको। तो इन दोनों चीज को जरूर एक्सपीरियंस करना। एंड लिटरली ये जगह जाने पे आपको ऐसा फील होगा ना कि आप 1920s में आ चुके हो। मिट्टी के बर्तन से खाना बनना, और ना यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ना ही गैस, सब कुछ नेचुरली बनता है इस आनंद बाजार में, और एकदम पुराने जमाने वाली मस्त सी फीलिंग आती है, एक डिवाइन फीलिंग आती है। सही में इसके अंदर जाने पे एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फिर उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल को विजिट करके हम लोग वापस होटल में आ गए, और नेक्स्ट थॉट क्या आया माइंड में आपको पता है? ऑफ कोर्स बीच, बीच का दिन का व्यू, और हम एक्साइटेड थे उस व्यू के लिए जो कि सुबह में दिखेगा। मीन्स सुबह सुबह पूजा करके हम लोग 1-2 बजे के करीब दोपहर तक होटल आ चुके थे, एंड 2 बजे के बाद रेस्ट किए थे 1 घंटे, और दोपहर के 3 बजे हम डिसाइड किए बीच जाने का अगेन। नाइट में तो हमने बीच देख लिया था, बट सुबह में देखने के लिए एक्साइटेड थे। देन दोपहर के 3 बजे पहुंचे और वो व्यू देखकर अगेन मजा आ गया। एकदम दूर तक होराइजन तक पानी ही पानी, बहुत सारे लोग छाते के नीचे मस्त रिलैक्स कर रहे थे धूप से बच के, और समुद्र की जो आवाज थी वो काफी सूदिंग थी, बहुत रिलैक्समेंट मिल रही थी उसको सुन के। फिर हमने सोचा कि चलो ऊंट की सवारी रेत पे हम लोग भी कर ही लेते हैं। वहाँ ऊंट पे 100 रुपए पर पर्सन पे आप सवारी कर सकते हो। मैं, पापा और रोहन एक ऊंट पे बैठ के एंजॉय करने लगे, जैसा कि आप इस फुटेज पे देख रहे हो, और वो ऊंट काफी शांत नेचर का था। Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. Baby girl, don't...
और मम्मी और दीपिका दूसरे ऊंट पे सवारी करने लगी। धूप तो बहुत थी लेकिन मजा आ रहा था इस एडवेंचर में। एक लकड़ी के सीढ़ी के सहारे आपको ऊंट पर चढ़ना होता है। रेत पे ऊंट की सवारी में बहुत मजा आता है। ऊंट की सवारी एक अलग ही एक्सपीरियंस थी। मतलब अगर आप समुद्र को नहीं देखोगे और ऊंट जिस तरह रेत पे चलता है ऐसे ऊपर नीचे होके, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं किसी रेगिस्तान में हूँ। एकदम रेगिस्तान वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि वहाँ की जो रेत है वो लिटरली ऐसी लगती है कि रेगिस्तान की रेत है। समुद्र और रेगिस्तान एक साथ, कुछ ऐसा आप मान सकते हो, ऐसी वाली फीलिंग आती है। हम लोग तो अंदर नहाने नहीं गए और जहाँ तक वेव्स लास्ट आ रही थी हम लोग उसी जगह पे खड़े थे। बट हम लोग देख रहे थे कि एकदम अंदर कुछ लोग जाकर नहा रहे थे और हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। इतने अंदर कुछ कुछ लोग जाके नहा रहे थे और पता नहीं वो कैसे वेव्स को मैनेज कर रहे थे। वहाँ पर हमने भी कुछ फोटोज क्लिक किया। समुद्र के सामने वाली रिलैक्समेंट वाली फीलिंग एकदम नेचुरली रिलैक्स करती है। दोपहर के समय बीच में बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, एकदम पीक पे था क्राउड। उसके बाद हमने भी छाते को एंजॉय किया और नारियल पानी पिया और वहाँ का सिग्नेचर खाना नहीं, एक जंक भी नहीं, एक फूड गोला खाया जो कि काफ़ी टेस्टी था। वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट्स रेत की मदद से काफ़ी वंडरफुल आर्टवर्क भी बना रहे थे और डेली कोई ना कोई आर्टिस्ट एक नया आर्टवर्क बनाता है यहाँ पे, ये सुनने में आया। एंड ये आर्टिस्ट लिटरली कच्चे रेत से अपने कला के द्वारा अपने दिमाग से इतनी अच्छी आर्टवर्क बनाते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। और हमने भी इस आर्टवर्क के सामने फोटोज क्लिक किया और आर्टिस्ट को टिप भी किया क्योंकि हमें ये सच में बहुत ज्यादा पसंद आया ये आर्टवर्क। और ऐसे ही होते होते शाम हो गई और समुद्र के अंदर हम एक शिप को देख रहे थे जो कि शायद नेवी शिप या फिर रेस्क्यू शिप होगा और ये पिछली रात भी दिखा था और शाम होते होते आज भी दिख रहा है। उसके बाद हम होटल वापस आ गए और डिनर करके सो गए। नेक्स्ट डे प्लान बना कोणार्क सन टेम्पल के लिए और ऐसे ऐसे रोड्स पे मैंने गाड़ी चलाया जिसके जस्ट बगल में ही समुद्र था। मतलब ये सबसे यूनिक रोड्स में से एक है जो कि जस्ट समुद्र के पैरेलल चलती है सिर्फ कुछ ही मीटर के दूरी पे और लहरें दिख रही थी। मजा आ गया था इस लोकेशन पे ड्राइव करके। उसके बाद हम कोणार्क सन टेम्पल में एंटर करने लगे। ये मंदिर 772 साल पुराना है और एक गाइड और उसके साथ एक फोटोग्राफर को हायर किया जो कि हमें सब कुछ बता रहा था और जगह जगह पर ब्यूटीफुल फोटोज क्लिक कर रहा था अलग अलग पोजेज में और वहाँ के हर एलिमेंट के बारे में बता रहा था और कहानियों को बता रहा था। और बहुत सारे मल्टीपल जगहों पर फोटोग्राफर ने प्रोफेशनल पिक क्लिक करवाया। 10 रुपए के नोट पे जो ये होता है कोणार्क सन टेम्पल का ये चक्र, उसके असल लोकेशन पे हम लोगों ने विजिट किया। यहाँ भी मजा आ गया। कोणार्क सन टेम्पल पे हर जगह कुछ ना कुछ डेकोरेटेड था एंड आप यकीन नहीं करोगे हर एलिमेंट के पीछे एक कहानी थी, एक गहरा मतलब था और बहुत ही डिटेल्ड कारीगरी थी इस मंदिर पे। इसकी डिटेल्ड कारीगरी ही इस मंदिर को खास बनाती है। और इस जगह पे आकर एकदम एंशियंट मॉन्यूमेंट वाली फीलिंग आ रही थी। वहां पर हमने अनगिनत फोटोज को क्लिक किया जगह जगह पे। वहां पे एक कोणार्क म्यूजियम भी था जहां पर आपको कोणार्क टेम्पल का इतिहास और सारी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है। और म्यूजियम के अंदर भी हमने फोटोज क्लिक किया। वहां पर भी बहुत सारे आर्टवर्क मौजूद थे और कोणार्क टेम्पल से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन मौजूद थी। कारीगर कैसे वहां हाथ से मंदिर के सारे एलिमेंट्स को बनाए बिना किसी मशीन को यूज करके, इसको डिपिक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टैचूज मौजूद थे। फिर कोणार्क टेम्पल को हम लोग घूम लिए पूरी तरह से और वहां पे इतने सारे फोटोज को क्लिक किया कि एक पूरा का पूरा एल्बम बन गया। उस एल्बम में बहुत सारे फोटोज थे। फिर हम लोग वहां से होटल वापस आने लगे और रास्ते में वही ऑसम सीन्स देखने मिले, रोड के बगल में ही पानी। फिर होटल में शाम को वापस आए और शाम को फिर उसी बीच पे गए
और रेत पे निशान बनाना जैसे बच्चों वाला हरकतें करके उसके बाद होटल वापस चले गए। मतलब बीच रियली में ऐसी चीज है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाते हो तो एक अच्छी फीलिंग आती है, एक रिलैक्समेंट फीलिंग आती है, प्रोबेबली उस समुद्र के लहर के आवाज के चलते। उसके बाद हम होटल वापस चल गए और नेक्स्ट दिन सुबह उठकर वापस घर आने का प्लान बनाया। सुबह 7 बजे उठे और होटल से विदाई ले ली और रास्ते में प्लान बना कि वापस घर जाते हुए ही रास्ते में ही लिंगराज टेम्पल पड़ेगा तो हमें वो भी विजिट कर लेना चाहिए। वहाँ के सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से एक लिंगराज टेम्पल को विजिट करने का प्लान बना। वो वोपिंग 1022 साल पुराना था, 1022 साल पुराना टेम्पल। ये फैक्ट सुन के हमसे रहा नहीं गया और हमने प्लान बनाया कि आज तो लिंगराज टेम्पल को विजिट करके ही, इस टूर को संपन्न करके ही घर वापस जाएंगे। फिर हम लोग पहुंचे लिंगराज टेम्पल और बाहर से व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था। ये उसका मेन एंट्री था जहां पर हमने बहुत सारे फोटोज को क्लिक किया, बट अनफॉर्चुनेटली यहां भी फोन अलाउड नहीं था और वहां पे भी बाहर ऐसे इंटरेस्टिंग आर्टवर्क बने हुए थे और टेम्पल का व्यू और वाइब दोनों काफी अच्छा लग रहा था और प्लेस बहुत ही दिव्य फील हो रहा था। उसके बाद हम लोग लिंगराज टेम्पल के अंदर जाके विजिट किया, देन वापस आए पार्किंग लॉट में, फिर वापस घर के लिए निकल गए। वापस रास्ते में आते समय भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग व्यूज देखने मिले और हाईवे भी काफी मस्त था और ऐसे अच्छे रोड पे ड्राइव करने पे मजा ही आ जाता है। ओडिशा के रोड्स भी बहुत मस्त थे, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि फ्रेश रोड पे आप चल रहे हो। उसके बाद 12 घंटे की लॉन्ग राइड के बाद फाइनली हम लोग घर आ गए एंड यकीन मानो BMW में 12 घंटे का ट्रिप 12 घंटे जैसा नहीं फील होता है। थकान बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है एंड मैं इसको अपने फैमिली का मेंबर मानता हूँ। इसी के चलते तो इतने जगह मस्त घूम पाए हम लोग और इसी के चलते तो मैं अपने घूमने के नशे को सक्सेसफुल कर पाता हूँ। तो ये था हमारा ओडिशा का इन्फॉर्मेटिव स्टाइल व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा होगा और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आएंगे फ्यूचर में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।